नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों आज अपन लेके आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस का पेपर, यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अपना पिछला पेपर कब हुआ भाई, 2020 का पेपर है और 27/11/2020 थर्ड शिफ्ट का पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020। पहले यहाँ पर जीके पूछा गया है, यानी कि सेक्शन पार्ट ए, और पार्ट ए में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाला है। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, टोटली जो भी अपने 100 प्रश्न आए हैं उन सब की बात करेंगे। यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं पार्ट एक से, जीके से। पहला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा है, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया, यानी चुनाव आयुक्त का यहाँ पर पूछा है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजीव कुमार। वर्तमान है कौन है ये आपको जो पता होना चाहिए, एक बार अपडेट कर लेना। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है, यानी कि पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न पूछा है और जो है करंट अफेयर्स का प्रश्न यहाँ पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई अभिजीत मुखर्जी को मिला जो है पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, ग्रह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान प्रौद्योगिकी पुरस्कार। अगला प्रश्न बात करते हैं। अगला पूछा दोस्तों जीका वायरस से प्रश्न पूछा है, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से रिक्त स्थान द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडीज मच्छर, यानी कि जीका वायरस रोग मुख्य रूप से एडीज मच्छर द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, आधार दर बेस रेट किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है, हालांकि रिक्त स्थान द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामले में इसका अपवाद संभव है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, रिक्त स्थान में आएगा आपका RBI, यानी कि एक बार वापस पढ़ लेता हूं, आधार दर किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है, हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पांच, देखो दोस्तों हर एक प्रश्न से आप अंदाजा लगाना और अपनी 2023 की तैयारी करना कि कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। यहां पर पांचवा प्रश्न पूछा है, कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आपके सामने, नेचर की ओर, गोल्डन थ्रेश होल्ड, इंडियन होम रूल, या फिर इंडिया ऑफ माई ड्रीम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोल्डन थ्रेश होल्ड है जो एम के गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ है। दिल्ली सल्तनत से प्रश्न है, यहां पर पूछा है तुगलक काल में नहीं हुआ है, यानी कि खिड़की मस्जिद, फिरोजशाह कोटला, जामा मस्जिद या तुगलकाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जामा मस्जिद का निर्माण है जो तुगलक काल में नहीं हुआ। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ पर पूछा है, भूगोल में मीएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। मीएंडर की विशेषता पूछी है, तो ये हो जाएगी आपकी नदी। ऑप्शन आपका तीन हो जाएगा सही उत्तर, नदी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा है, पिट्रा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, यह बागवानी की एक शैली है, गलत हो जाएगा। यह ताड़ के पत्तों पर की जाने वाली एक प्रकार की चित्र शैली है, यह भी गलत है। अगला है, यह दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में बजाया जाने वाला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, यह भी गलत। अगला है, यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की तकनीकी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिट्रा ड्यूरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चार। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है। तो जहांगीर की कब्र कहां पर है, जहांगीर की कब्र है आप सब जानते हैं कहां पर भाई, शाहदरा में है। शाहदरा में, तो शाहदरा कहां पर है भाई, लाहौर में, ये आपको याद रखना। ऑप्शन तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो भी मकबरे कबर है वो एक बार पढ़ के जाना आपको। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई प्रतिमा किससे बनी होती है, लोहा, सोना, चांदी या कांस्य। तो अपन कहते हैं भाई कांस्य से निर्मित जो है नृत्य मूर्ति, तो ये कांस्य की बनी होती है। अगला है, मेल वाला है कि कौन सा युग में सही नहीं है, पेले ब्राजील,
डिएगो मोरडोला अर्जेंटीना, पाओलो रोजी स्पेन या काइलियन मम्बे फ्रांस। तो कौन सा युग्म सही नहीं है? यहां पर ऑप्शन तीन वाला युग्म है जो सही नहीं है, पाओली रोजी स्पेन ये गलत है। बाकी जो मुझे लग रहा है ये खिलाड़ी है, इनके नाम दे रखे हैं और अपना जो है देश बता रखा है कि भाई पेले ब्राजील से है, ये यहाँ से, तो इसका जो ऑप्शन है जो तीन का जो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 12वां प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पंचवर्षीय योजना से पूछा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में समाप्त हुई थी? तो 11वीं कब हुई भाई? 12 में, याद रखना 11वीं कब हुई? 12 में हुई, तो 2000 यहां पर आपका 12 हो जाएगा। और जो है अब यदि पंचवर्षीय से पूछा है तो पंचवर्षीय से थोड़ा डीपली पूछा जा सकता है कि पहली पंचवर्षीय किस मॉडल पर आधारित, दूसरी किस मॉडल पर आधारित, कब संपन्न हुई, किस पर अधिक बल दिया गया, तो पूरी पंचवर्षीय योजना रट लेना, सब रट के जाना भाई लोगों। जो जो टॉपिक बता रहा हूं और टॉपिक यहां से देखते रहना कि भाई किस टॉपिक से ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला पूछा है, भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में EPFO का पूर्ण रूप क्या होगा? यानी यहाँ पर EPFO का पूरा नाम पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन दो, एम्प्लाइज प्रोविडेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। एक बार वापस देख लीजिए, EPFO का पूरा नाम हो जाएगा एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं, 14वां संविधान से पूछा है, भारत के संविधान का भाग है रिक्त स्थान, संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों की प्रक्रियाओं, विशेषताकरण, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर तीन में पांच, यानी कि भाग पांच है जो भारत के संविधान का भाग पांच है जो संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं से संबंधित है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म जो है सुमेलित सही है ये बताना है, चतुर्थ बौद्ध परिषद यानी कि बौद्ध संगति से रिलेटेड ये बता रहा है मुझे लग रहा है, तो कौन सी जो है युग्म सुमेलित सही है? यहाँ पर बौद्ध तृतीय बौद्ध पाटलिपुत्र वाला ये आपका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 16वें प्रश्न पर चलते हैं, 16वां प्रश्न पूछा है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई, याद रखना 1993, तो इसका ऑप्शन आपका दो उत्तर सही, 1993, 12 अक्टूबर 1993। 17वें प्रश्न की बात करते हैं, 17वां यहां पर पूछा है, रेगिस्तान कम वायुमंडलीय दाब का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है, तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका चार, डोलड्रम्स कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है। 18वां प्रश्न, 1984 में रेगिस्तान के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया, तो यहां पर रेगिस्तान में जाएगा आपका 1984 में कांसीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया। 19वां प्रश्न आपके सामने पूछा है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार द्वारा कम प्रतिरक्षण वाले क्षेत्रों में व्याप्ति कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है, तो इसका ऑप्शन आपका प्रतिरक्षण यहां पर आ जाएगा रिक्त स्थान में। 20वां प्रश्न देख लीजिए किस प्रकार का पूछा गया है, अगस्त 2020 तक भारत सरकार भारत जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म सही है बताना है, और अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में बताना है, तो जम्मू और कश्मीर मनोज सिन्हा यानी कि यहाँ पर दे रखा है राज्यपाल से रिलेटेड प्रश्न कुछ ऐसा बन रहा है, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर कौन सा युग्म सही है, तो आपका ऑप्शन चार आपका सही उत्तर हो जाएगा, राज्य उपराज्यपाल से रिलेटेड है कुछ ऐसा। अगला 2100 प्रश्न देख लीजिए, सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है, तो सामवेद मतलब संगीत से रिलेटेड है, सामवेद अर्थवेद मतलब जादू टोनों से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 22वां प्रश्न देख लीजिए, 22वां प्रश्न आप देख लीजिए किस प्रकार पूछा है, ये ऊर्जा परिवर्तन से रिलेटेड पूछा है, जब तक मैं भी लिखता हूं चाय, ये आप प्रश्न देख लीजिए 22वां। तो दोस्तों एक बार वापिस प्रश्न मैं पढ़ लेता हूं, एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित हो जाती है। तो फोटो वोल्टाइक है तो फोटो सेल से रिलेटेड, फोटो वोल्टाइक सेल तो प्रकाश से रिलेटेड है। एक फोटो वोल्टाइक सेल में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा है, किसी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियम समय अवधि रेगुलेटर टाइम रेगुलेशन टाइम मिनट में कितनी होती है। फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनियम समय अवधि कितनी होती है। तो ऑप्शन 120 यहां पर टाइम पूछा है मिनट में, तो 120 मिनट आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना भाई। अगला देखो, देखो आप अंदाजा लगाते रहना किस किस टॉपिक को यहाँ पर जो है कवर किया गया है। इसके आधार पर एक पेज पर लिख लेना क्या भाई इस टॉपिक से लिया गया है, इस टॉपिक से लिया गया है, आर्ट कल्चर में यहाँ से पूछा है, संगीत में वादक वाद्य यंत्र से पूछा है। तो इस प्रकार अपन पूरी तैयारी की रणनीति पिछले पेपर को देखते हुए बनाएंगे। अगला है, वास्तुकला की सरकी शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी। तो सरकी शैली याद रखना भाई किससे थी, उत्तर प्रदेश से। 25वां प्रश्न है, बजट से कुछ ऐसा लग रहा है तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। के बजट भाषण में रुपये 500 करोड़ के व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी, जो टमाटर प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और कीमतों में अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर टीओपी फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर भाई 2018-19 आएगा रिक्त स्थान में, आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड है। बजट भाषण में कुछ ऐसा दे रखा है तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा बजट वाला भी देख लेना। अगला देखो प्रश्न, 26वां प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है। तो पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देवीमाला, डोडा बेटा, देवी माली या फिर अन्नपूर्णा। तो देवी माली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, 27वां प्रश्न पूछा है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पास स्थित है। तो कहां पर है भाई, तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। 28वां पूछा है, भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है, भैरवी, पूर्वी, श्रृंगार, हिंडोल। तो श्रृंगार एक प्रकार का राग नहीं है। 29वां प्रश्न पूछा है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा आपस में जो है मेल नहीं खाता है, फेरेजी आंदोलन बंगाल, मोपला विद्रोह मालाबार, कुका आंदोलन असम, पालीग्रह विद्रोह कुरनूल। तो कुका आंदोलन असम ये आपका जो है युग में सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 30वां प्रश्न पूछा गया है, भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986। अगले प्रश्न की बात करते हैं, समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो कौन सी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 32वां प्रश्न यहाँ पर पूछा है, 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेटर टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 बार। अगला प्रश्न, नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो को प्रभावित करती है। तो किसको प्रभावित करती है, वृक्क किडनी को प्रभावित करती है, याद रखना। अगला प्रश्न, 34वां प्रश्न पूछा गया है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, यानी कि ये करंट से रिलेटेड है और 2020 का पेपर था तो 2020 का करंट पूछा है, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है। तो कौन सा भाई नहीं था, जया बच्चन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, 35वां प्रश्न पूछा है, ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर अल्प रक्त शर्करा हाइपोग्लाइसीमिया रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन आपका 4 सही उत्तर। 36वां पूछा है, प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, भारत के
भारत के राष्ट्रपति थे, तो भारत के भाई कौन से राष्ट्रपति थे, 13वें राष्ट्रपति थे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन कौन से कितने नंबर के हैं। अगला पूछा है 37वां, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंकों की चेक संख्या में कितने अंक होते हैं। तो याद रखना भाई कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं। अगला प्रश्न पूछा है मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में ओलज शब्द सालाना खेती योग्य भूमि को निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सालाना खेती योग्य भूमि। अगला है खादर और भागर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है, तो कछार मृदा से संबंधित है, यह आपको याद रखना है। 40वां प्रश्न इंपोर्टेंट, पुस्तक से रिलेटेड, और कौन सी पुस्तक किससे संबंधित है। यहां पर पूछा द शैडो लाइंस नामक की पुस्तक के लेखक कौन है भाई, तो अपन बोलेंगे अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष हो चाहे अरुंधति राय हो, किन की कौन सी पुस्तक, ये ज्यादातर हाईलाइट है, तो आप आराम से देखकर पूरी लिस्ट बना लेना, सुबह शाम एक बार रिवाइज करते रहो, सब पुस्तक आपके दिमाग में दौड़ेगी। 40 का सूत्र हो जाएगा 2 अमिताभ घोष। अगला 41वां प्रश्न पूछा है ऐतिहासिक सीढ़ी द्वार कुआ अगरसेन की बावली कहां पर स्थित है, तो यह आपका दिल्ली में स्थित। अगला देखो 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान किस उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, तो यह आपका हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के प्रदान किया जाता है। अगला भाई युग्म से पूछा है, और पूछा है कि भाई कौन सा युग्म है जो सही नहीं है, भीमबेटका छत्तीसगढ़, हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, कोणार्क उड़ीसा, तो आपका इसका भीमबेटका वाला गलत हो जाएगा, भीमबेटका की गुफाएं भाई एमपी मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर। अगली बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी, ऑप्शन आपके सामने है, तो 1905 से रिलेटेड आपका बंगाल विभाजन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पूछा है खाली जगह वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है क्या भाई, तो इसका सही उत्तर जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन 4। अगला पूछा है 46 प्रश्न ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है भाई, तो इसका हो जाएगा आपका 48वां। 2023 में कौन सा है ये आपको याद रख के जाना भाई। अगला पूछा है 11 दिसंबर 1901 को स्थापित की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है, यह कहां पर स्थित है, तो डिगबोई कहां पर है भाई, असम में, यह आपको याद रखना है। 48वां प्रश्न पूछा है योनो ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो द्वारा पेश किया गया है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के वित्तीय सेवाओं का उपयोग में सक्षम बनाया जा सके, तो ये SBI द्वारा भाई भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जो है शुरू किया गया योनो है, ये आपको ध्यान रखा किसके द्वारा, SBI द्वारा योनो, आप सब यूज भी करते होंगे, मैं भी यूज करता हूँ योनो। अगला देखो 49वां है नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे, तो नई दिल्ली में भाई कब किए गए थे, 2010 में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट हो सकता है। 50वां और लास्ट जीके का प्रश्न पूछा है सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया जिसके तहत रिक्त स्थान से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए विवरणों की दोबारा पुष्टि होने की आवश्यकता हो सकती है। तो जीके के ये थे 50 प्रश्न। अगला शुरू हो रहा है आपका किसका, रीजनिंग का, तो रीजनिंग का अलग से वीडियो मिल जाएगा आपको अपने इसी पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। तब तक ये वीडियो जो जो आपके दोस्त है राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यानी उन्होंने अब की बार 2023 में दिल्ली पुलिस का फॉर्म लगाया है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके आधार पर वो अपनी 2023 की तैयारी को और भी मजबूत कर पाएंगे। अगली क्लास, अगला वीडियो रीजनिंग का, उसके बाद मैथ्स और कंप्यूटर का मिलेगा। पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये रहा आपका पुलिस परीक्षा नाम से यहाँ पर, और ये मिल जाएगा जिस पर देख रहे हो, ये पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल ही है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि अगली जैसे ही वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। अपना ख्याल रखें, जय हिंद, जय भारत।